गुड मॉर्निंग एवरीवन, संजय कुमार पांडे सेंट पब्लिक स्कूल रामपुर दमन बलिया। कल हम लोग वर्ण पर चर्चा की, वर्ण वर्ण के लिए स्वर और व्यंजन, स्वर के दो भेद तीन भेद बताया गया। उनमें हम स्वर के जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उच्च स्वर, इसमें वर्णों को मैंने लिखा था। आज थोड़ा समय व्यंजन के बारे में चल सकते। व्यंजन में जो मैं चार लिखा था, मुख्य रूप से आपके पुस्तक में तीन दिखाया जाता है। वैसे तो मैंने 5-6 पर चर्चा किया, पुष्ट व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पुष्प व्यंजन और दवित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। दवित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में हमने अंतर नहीं बताया। दवित्व व्यंजन यानी एक ही वर्ण दो बार प्रयोग किए जाते हैं, दवित्व व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन में दो वर्ण भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हों तो वह संयुक्त व्यंजन। आगे हम चर्चा करते हैं सब वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। जैसे हम कोई भी शब्द का नाम लेते हैं, विद्यालय, भवन, ईश्वर, इन शब्दों को बोलने में कई प्रकार के वर्णों का संयोग होता है। अर्थात शब्द को बनाने में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, इससे एक शब्द की रचना होती है। परंतु वह वर्णों का मेल जो एक निश्चित अर्थ को संबोधित करे, एक निश्चित अर्थ का बोध कराए, वह शब्द का होता है। शब्द के भेद अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर फर्स्ट प्रथम है सार्थक शब्द। तो शब्द का मुख्य वर्णों का वैसा मेल जिसका एक निश्चित अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात इसको हम परिभाषित करेंगे तो कहेंगे दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द। जैसे घ और र, घ भी एक वर्ण है, र भी एक वर्ण है, तो निर्माण होता है घर। यहाँ पर है क म ल, तीन वर्णों का मेल है, संयोग बनता है तो बनता है कमल। ठीक उसी प्रकार से इन वर्णों को यदि हम क्रमबद्धता को विलोम कर देते हैं, विलोम अपोजिट कर देते हैं, घर को हम लिख देते हैं र, तो इसका इस वर्ग का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं। तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो वह निरर्थक शब्द। अर्थात जिन वर्णों के मेल से किसी निश्चित शब्द के अर्थ का बोध न हो वह निरर्थक शब्द होता है। स्टूडेंट्स हम आगे एक एक शब्द के भेदों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट अर्थ के आधार पर इस क्रियाकलाप को अपने एक चार्ट पेपर पे लगाएंगे और यह शब्द के भेदों के विस्तार बढ़ते जाएंगे और उसके एक एक एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में भी अपने चार्ट पेपर पर राइट करेंगे। अगले दिन रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इन भागों पर चर्चा करेंगे।
और इसे हम अपने चार्ट पेपर में लगाएंगे, अपने स्टडी रूम में लगाएंगे, ताकि शब्दों का भेद जानकारी रहे। धन्यवाद।